अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो 5 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है, उसके लिए पाकिस्तान का जो 16 रुकनी स्क्वाड है वो भाई सामने आ गया है। 13 प्लेयर्स जो हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे और इसके अलावा इमाद और आमिर आपको ग्रीन शर्ट के अंदर एक बार फिर जनाब नजर आने वाला इन एक्शन, आप इनको देख पाएंगे 18 अप्रैल को अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो बड़ा जनाब, सबसे पहले यहां पर जो 16 रुकनी पाकिस्तान का स्क्वाड है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम प्लेइंग 11 भी साथ में बनाते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लियर तो यही है ना, बाबर आजम और साइम अयूब करेंगे ओपनिंग, यानी कि ये दो बंदे कन्फर्म है। नंबर 3 के ऊपर आपके पास आएगा मोहम्मद रिजवान, नंबर 4 के ऊपर आपके पास जनाब फखर जमान, नंबर 5 के ऊपर आपके पास है उस्मान खान, नंबर 6 के ऊपर है आपके पास इफ्तिखार चाचा, ये आपके 6 तो हो गए। अब नंबर 7 के ऊपर आएंगे आपके शादाब, नंबर 8 के ऊपर आपके पास है इमाद वसीम, नंबर 9 के ऊपर होंगे शाहीन शाह आफरीदी, नंबर 10 के ऊपर होंगे मोहम्मद आमिर और नंबर 11 के ऊपर होंगे नसीम शाह। ये आपके 11 कन्फर्म है। नंबर 12 आपके पास है हारिस रऊफ, नंबर 13 आपके पास है सलमान अली आगा, ये बंदा हर हाल में स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, ये बेहतरीन मिडिल ऑर्डर का ऑप्शन है, बॉलिंग भी कर सकता है। इसके अलावा आजम खान और मोहम्मद हारिस में से एक होगा, तो यानी कि ये हो गए 14। और इसके अलावा आमिर जमाल और वसीम जूनियर में से भी एक होगा, और एक आप समझ यानी कि समझ सकते हैं कि एक ट्रिकी ऑप्शन होगा जो समा मीर है वो जरूर होंगे। तो ये आपके जनाब 16 बंदे बन रहे हैं आपके, अगर दूसरे में 4 जिस तरह मैंने क्लियर किया कि हारिस रऊफ, वसीम और आमिर जमाल में से एक समा मीर होंगे, और इसके अलावा मोहम्मद हारिस और आजम खान में से एक होगा, सलमान अली आग होंगे। तो यही पाकिस्तान का समझे कन्फर्म ही T20 के अंदर स्क्वाड बनने वाला है। मोहम्मद अली या उनकी इंक्लूजन हो सकती है, लेकिन उनको अगर आप इस सीरीज में ट्राई करेंगे, आपने वर्ल्ड कप तो खेलना नहीं है, तो उन्हीं प्लेयर्स को आप यहां पे ट्राई करेंगे, यही प्लेयर्स होंगे जो मतलब इनको भरपूर मौके दिए जाएंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट आयरलैंड, और यही खेलेंगे आपका T20 वर्ल्ड कप फिर 2024, यानी कि इन्हीं बंदों को ट्राई किया जाएगा, भरपूर मौके दिए जाएंगे। इमाद और आमिर जनाब दोनों खेलेंगे और इनको कुछ मैच रेस्ट भी दिया जाएगा ताकि इंजरी का कोई मसला ना बने वर्ल्ड कप तक, तो यानी कि इनको बचा कर ही लेके जाना है और फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे ये, और अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी खेलेंगे आमिर और इमाद वसीम दोनों। दोबारा जनाब जो बाकी प्लेयर्स पीछे बाकी रह जाएंगे उनको यानी कि पीसीबी ने स्पेशली पीसीबी से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई उन प्लेयर्स को काकुल के अंदर ट्रेनिंग करने दें, उनका कैंप वहां पर लगा रहे, जो स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाते हैं वो तो फिर आ जाएंगे पिंडी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं होंगे उनको वहां पर ट्रेनिंग करने दें, क्योंकि वहां पर जो ट्रेनिंग का लेवल है वो बहुत तगड़ा है और प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो बहुत तगड़ी हो जाती है, तो वहां पर उनको यानी कि रखा जाए, उनको भी वापस ना बुलाया जाए, उनको वहां पर ट्रेनिंग करने दें और जो स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे उनको फिर पिंडी बुला लिया जाएगा। तो ये एक मैं समझता हूं बड़ा कदम है, लेकिन फैंस एक्साइटेड है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान खान को इन एक्शन देखने के लिए। लेट्स ही देखते हैं किस तरह का ये एक्शन रहता है। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।